आप समझ सकते हैं ये हाल जो है इस वक्त सरहद पर हो चुके हैं। कल भी हमने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के अरनिया सेक्टर में सुबह तड़के सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसका बीएसएफ ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस समय मैं मौजूद हूं अरनिया सेक्टर में, ये वही इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद बीएसएफ ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। इतना समझ आ जाता है, इतनी दिक्कत है। हमारे वालों ने मोटार भी लगा दिया, हमारे वालों ने अभी मोटार सब सेट कर दिया, कर दिए सेट। क्या बोल रहे, फायर होगा 100% होगा, वो रुकेंगे। एसी भी कब चलेगी, एसी भी कब चलेगी। जी, मैं त्रेवा सरपंच बलवीर कौर। अज जिवें तुहानू सारयां नू पता लग्या होगा कि इत्थे कोई मॉर्निंग 7:30 BOP ते एक फायर कीता गया पाकिस्तान वल्लों, और 2021 दे विच फैब दे विच एक सीज फायर दा होया सी कि कोई भी बंदा सीज फायर दी वोलेशन नहीं करूगा। बट इन्हां दा मतलब कि तुसी लगा लो, फितरत लगा लो, इन्हां दे हालात लगा लो, इन्हां ने ये काम करना ही करना। इस करके गवर्नमेंट नू चाहिदा कि इन्हां ते कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई करन, इन्हां नू रोकन, क्योंकि साडे लोकल लोग जिहड़े ने, बॉर्डर लोग जिहड़े ने, इस टाइम डरे हुए ने, उन्हां दे विच इक डर दा माहौल आ। पहलां असीं लोग जदों इस तरां दा कोई फायर हुंदा सी, असीं लोग किते चले जांदे सी, रिश्तेदारियां दे चले जांदे सी। बस इह वाला टाइम जिहड़ा, इस टाइम असीं किते नहीं जा सकते ड्यू टू करोना। सानू रहना ते अपने घर दे विच आ, जीना भी इत्थे, मरना भी इत्थे। बट इन्हां नू, इन्हां दे उपर मतलब कि अपने इंडियन आर्मी जां अपना BSF, इन्हां ते कोई कड़ी कार्रवाई करे कि जिहदे नाल आम लोकां नू राहत मिले। थैंक यू सो मच।